नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज़ भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कानपुर में हुआ ट्रेन हादसा। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से उतरे। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस कानपुर में भीमसेन के पास शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस से 22 डब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि पटरी पर रखे बोल्डर की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कानपुर में शुक्रवार रात करीब 2:30 पर ट्रेन हादसा हो गया। गाड़ी संख्या 19168 साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा भीमसेन खंड में गोविंदपुर स्टेशन के निकट हुआ। ड्राइवर के अनुसार प्रथम दृष्टया बोल्डर इंजन से टकराया और इंजन का केटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर मुड़ गया। कानपुर के गोविंदपुर स्टेशन के पास 19168 साबरमती एक्सप्रेस के 22 कोच पटरी से उतर गई। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। फिलहाल कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। रेलवे स्टाफ मौके पर पहुंच गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि हादसा बोल्डर टकराने से हुआ है। हादसे के चलते कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कानपुर से बुंदेलखंड मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों के रास्ते भी बदल दिए गए हैं। कानपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह का कहना है कि करीब 22 कोच पटरी उतरे हैं और एसडीएम मौके पर मौजूद है। कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ लोगों को मामूली खरोच आई है, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। एम्बुलेंस खड़ी है। जो यात्री उन्हें अपने उनके गंतव्य तक या रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। इस बीच घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है।